अब खबरें विस्तार से। कोरबा शहर के लिए नासूर बन चुके राख के उचित निष्पादन को लेकर कोरबा के नवनिर्वाचित विधायक लखनलाल दिवंगन काफी गंभीर हो गए हैं। उन्होंने पर्यावरण विभाग को पत्र लिखकर राख के अवैध कार्य पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने बालको रुमगरा मार्ग पर यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए नो एंट्री लगाने की मांग भी प्रशासन से की है। वही रेत के अवैध कारोबार पर विराम लग सके इसके लिए उन्होंने जरूरी प्रयास करने की बात भी कही है। कोरबा शहर का विधायक बनने के बाद लखनलाल दिवंगन एक्शन मोड पर आ गए और आम जनता के हिसाब में काम करना शुरू कर दिए हैं। लखनलाल दिवंगन ने पर्यावरण को पत्र लिखकर शहर में राखड़ के बढ़ते प्रभाव को कम करने की मांग उठाई है। शहर में जहां तहां जिस तरह से अवैध रूप से राखड़ को पाटा जा रहा है, उससे प्रदूषण का दायरा काफी बढ़ गया है। लिहाजा उन्होंने विभाग को जिन जिन स्थानों पर राखड़ को पाटा गया वहां मिट्टी की पिलिंग कराने की मांग उठाई है। देखिए, कोरबा विधानसभा क्षेत्र में और पूरा कोरबा जिला में राखड़ की बहुत बड़ा समस्या है। पूरा शहर के अंदर जहां पाए वहां राखड़ फेंक दिए। मैंने कल पर्यावरण अधिकारी को दूरभाष से अपना बात किया। अब जो राखड़ पट गया उसको तो उठवाने के लिए बोलेंगे वो गलत होगा। मैंने कहा सभी जगह मिट्टी डाला जाए ताकि हवा में राख न उड़े, इसके लिए मैंने उससे कहा है। और मैंने कहा है कि 4-5 दिन के अंदर पूरे मिट्टी सब जगह फिलिंग हो जाना चाहिए। सुबह में राखड़ की बहुत बड़ा समस्या है। औद्योग के लोग चाहे वो अपना बालको सबसे ज्यादा गड़बड़ी कर रहा है, जहां पा रहे वहां पटवा दे रहे राखड़। तो इन सारी समस्याओं को निजात देने का प्रयास करेंगे। अगर ये नहीं मानते हैं तो इनका फैक्ट्री को हम लोग तालाबंदी का भी काम करेंगे। रुमगरा बालको मार्ग पर लगातार लग रहे जाम को लेकर भी शहर विधायक गंभीर हो गए हैं। लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने उन्होंने जरूर प्रयास करने की बात कही है। बालको प्लांट से निकलने वाले वाहनों के कारण अक्सर जाम लगता है, जिससे हादसों की आशंका भी काफी बढ़ जाती है। लिहाजा उन्होंने सुबह 5 बजे से 10 बजे तक मार्ग पर नो एंट्री लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने बालको को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि आगामी 6 माह के भीतर अपने लिए अलग से सड़क की व्यवस्था कर ले, नहीं तो प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने में देरी नहीं की जाएगी। जो बालको तरफ मेजर ध्यान चौक रुमगढ़ से बालको कंपनी में जो भारी वाहन चलते हैं, राखड़ का हो चाहे कोयला का हो, अब एक ही सड़क है और सड़क में भारी दबाव रहता है और लोग काफी जाम में परेशान होते हैं। कॉलेज में स्कूल बच्चे जाते हैं, स्कूल छात्र छात्राओं को भी दिक्कत होता है, कोई बीमार पड़ गए उनको भी दिक्कत होता है। तो मैंने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि बालको जो रोड चलते हैं कंपनी का गाड़ी अपना रुमगढ़ा से लेकर परसा भाटा होते हुए रिजदी झगरा तरफ निकलता है, तो उसमें सुबह 5 बजे से 10 बजे तक के नो एंट्री लगाया जाए ताकि लोगों को दिन में आने जाने में दिक्कत मत हो। रात को उनका गाड़ी 10 बजे से 5 बजे तक चले। और एक बात और मैंने कहा है कि बालको कंपनी अपने कंपनी में कोयला और राखड़ का जो परिवहन करता है उसके लिए अलग सड़क को 6 महीने के अंदर निर्माण करे। अगर वो निर्माण नहीं करता है तो हम पूरा उनके आने जाने के गाड़ी को रोक दिया जाएगा। राख के परिवहन को लेकर जिस तरह से नियमों का मजाक बनाया जा रहा है, उसे लेकर भी विधायक काफी गंभीर हो गए हैं और उन्होंने पुलिस के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों से बात कर नियमों के तहत काम कराने की बात कही है। कोरबा से पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।